ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, डालते हैं नजर अगली खबर पर। थाना खरकौदा पुलिस ने अंतर जनपदीय लुटेरों के गैंग का पर्दाफाश करते हुए दो साथी लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों से हजारों की नकदी, लूटे गए जेवरात, एक तमंचा, लूट में इस्तेमाल अपाचे बाइक बरामद की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी देहात राजेश कुमार ने बताया कि पकड़े गए दोनों आरोपी आदिल और राशिद खरकौदा थाना क्षेत्र के घोसीपुर गांव के रहने वाले हैं और काफी समय से मेरठ, हापुड़ और आसपास के दूसरे जिलों में लूट की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। एसपी देहात ने बताया कि मंगलवार को लोहिया नगर गुज्जर चौक पर चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर दोनों शातिर लुटेरों को धर दबोचा गया। एसपी देहात ने बताया कि पकड़े गए दोनों लुटेरे आधा दर्जन से ज्यादा लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। फिलहाल पुलिस इस गैंग के और बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। तो वहीं एसएसपी मंजिल सैनी ने लुटेरों को दबोचने वाली टीम को 15,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। एक खरकौदा पुलिस ने आज दो शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है और इनसे पूछताछ के आधार पे ये जानकारी हुई कि इनके द्वारा करीब सैकड़ों घटनाएं की गई है। कई घटनाओं का अनावरण हुआ है। ये मेरठ में, हापुड़ में, गाजियाबाद में, बागपत में कई घटनाएं किए हैं। इनका जो घटना करने का तरीका होता था किसी भी लिंक रोड पे जब कोई पुरुष और स्त्री जाते थे मोटरसाइकिल से पति पत्नी के रूप में या किसी रूप में, ये उनको तमंचा दिखा के मोटरसाइकिल रोक के उनके कुंडल और कैश या चेंज जो भी रहती थी उसको छीन लेते थे और उनमें इनका जो लूट का कई घटनाओं का लूट का माल बरामद हुआ है। कई कुंडल और चेंज बरामद हुई हैं। मोटरसाइकिल जो इनकी है वो जिससे घटना करते थे वो बरामद की गई है। तमंचे इनके पास से, दोनों के पास से मिले हैं। ये शातिर किस्म के अपराधी है और इनके पकड़े जाने से जो इधर घटनाएं हो रही थी लूटपाट की उन पे जरूर अंकुश स्थापित होगा। चार महीने पहले बेरोजगार हो चुके सफाई कर्मियों ने खाली दियों के साथ सर्किट हाउस पर प्रदर्शन किया। इन सफाई कर्मियों ने बताया कि नगर निगम ने चार महीने पहले 196 सफाई कर्मियों को बाहर का रास्ता दिखाया था, तब से वो बेरोजगार हैं। उन्होंने कहा कि उनके रोजगार के बारे में अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। दीपावली पर उनकी ये हालत हो चुकी है कि दिए जलाने के लिए तेल के पैसे तक नहीं है। प्रदर्शन करने वालों में दिनेश विद्यार्थी, सनी मंगवाना, कैलाश चंदोला मौजूद रहे। आप हमारे अच्छे दिन नहीं चाहते, आप हमने कहा सहानुभूति रखते हैं तो हमारा रोजगार वापस। टीपी नगर थाना क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने सुबह होते ही लूट की दो घटनाओं को अंजाम दिया। दरअसल नंदन कॉलोनी में महिला अंशुल अपने घर के बाहर सफाई कर रही थी, तभी बाइक सवार दो नकाबपोश बदमाशों ने उनसे सोने की चैन लूट ली और विरोध करने पर धक्का देकर महिला को फरार हो गए। ये घटना अंजाम देने के बाद बाइक सवार दोनों बदमाश फिर से कॉलोनी में पहुंचे और उन्होंने एक और महिला भावना से सोने की चैन लूट ली और फरार हो गए। बाइक सवार बदमाशों की फोटो कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। थाना परीक्षितगढ़ पुलिस ने कोरवाला गांव के खादर में छापा मारकर अवैध शराब की भट्टी पकड़ी। पुलिस ने मौके से कोरवाल गांव में रहने वाले एक आरोपी संजय को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब और शराब बनाने का सामान बरामद किया है। पुलिस ने भट्टी पर रखे कई कुंतल लहन को भी मौके पर नष्ट कर दिया। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों के फरार साथियों की तलाश कर रही है। ये थाना परीक्षितगढ़ को सूचना मिली कि कोरा वाला एक गांव है जो खादर में पड़ता है, वहां पे अवैध शराब की भट्टी चल रही है और भारी मात्रा में अवैध शराब निष्कासित की जा रही है। इस सूचना पे SO परीक्षितगढ़ द्वारा वहां पे जब दबिश दी गई तो वहां पे एक संजय नाम का व्यक्ति अवैध शराब बनाते हुए गिरफ्तार किया गया है। भारी मात्रा में अवैध शराब, कच्ची शराब उससे मिली है, शराब बनाने के उपकरण मिले हैं, क्विंटल्स में जो लहन थी, जो कच्ची सामग्री होती है उनको वहाँ पे नष्ट किया गया है, शराब बनाने के उपकरण मिले हैं और इसमें जो संजय गिरफ्तार हुआ है उस पर कार्रवाई की जाए। सिटी हलचल में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद डालेंगे नजर फास्ट न्यूज पर।